शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी, स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में रूप से पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था और उन्हें अपने भाषण को 2 मिनट में खत्म करना था। लेकिन जब विवेकानंद ने अपना भाषण देने स्टार्ट किया तो कईयों मिनट तक तालियों की आवाज गूंजती रही। विवेकानंद ने कितने बार अनुरोध किया कि अब हो गया, शांत हो जाए प्लीज, मुझे बोलने दिया जाए प्लीज, लेकिन कईयों मिनट तक ताली की गड़गड़ाहट गूंजती रही। अब सुनिए उनके द्वारा दिए गए संबोधन क्या था। ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाइयों और बहन, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया उसमें मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जाति और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं। ये धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों के सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है मैं उस देश से हूं जिसने धर्म सभी धर्मों के सभी देश के सताए गए लोगों के अपने में शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इज़राइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने इस तरह तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से ही याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्ते से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनते हैं। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर मैं मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकर रखा है।
उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता। जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठ धार्मिकता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से।